नवरात्रि का आज सातवां दिन और इस दिन माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा के क्रोध की वजह से माता का वर्ण श्यामल हो गया है। इसी श्यामल से माँ कालरात्रि का प्रकट हुआ शुभ अशुभ और रक्त बीज का सहार करने वाले इस स्वरूप को शुंभकरी भी कहा जाता है। जानिए माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व। नवरात्रि के सातवें दिन करें माँ कालरात्रि की पूजा। नवरात्रि के सातवें दिन माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माता कालरात्रि को शुभम करी महायोगेश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत पूजा से पूजा अर्चना और उपवास करने से माँ अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियों और काल से बचाती है। अर्थात माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माता के इसी स्वरूप से सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती है। इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले माता कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। माता कालरात्रि को निशा की रात भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व। असुरों और दुष्टों का संहार करने वाली माता कालरात्रि की पूजा करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने पर सभी दुख दूर रहते हैं और जीवन और परिवार में सुख शांति का वास रहता है। माँ कालरात्रि की पूजा और उपवास करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती है और बल आयु में वृद्धि होती है। माता कालरात्रि की पूजा रात्रि के समय में भी की जाती है। ऐसे हुआ माता कालरात्रि का प्राकट्य। असुर शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने सभी लोगों में हाहाकार मचा रखा था। इससे परेशान होकर सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुँचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भोलेनाथ की बात मानकर माता पार्वती ने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण कर शुंभ और निशुंभ दैत्यों का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का भी अंत कर दिया तो उसके रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा को अत्यंत क्रोध आ गया। क्रोध की वजह से माँ का वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल रूप से देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। इसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्त बीज समेत सभी दैत्यों का वध और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले अपने मुख में भर लिया। इस तरह सभी असुरों का अंत हुआ। इस वजह से माता को शुभम करी भी कहा गया। स्पेशल डेस्क स्वराज एक्सप्रेस।